हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआर नॉलेज हब। दोस्तों, ठंडा मतलब कोका कोला। विज्ञापन की दुनिया में इस टैगलाइन ने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया है, जिसने कोल्ड ड्रिंक के मायने ही बदल दिए हैं। गर्मी की उमस हो या किसी पार्टी का जश्न, कोका कोला तो बनता है। मगर क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब कोका कोला को दवा के तौर पर बेचा जाता था। यही नहीं, इसको बनाने वाले अमेरिकी को अपने ड्रिंक को ब्रांड बनते देखना भी नसीब नहीं हुआ है। शुरुआत में इसमें कोकीन नामक ड्रग्स भी मिलाया जाता था। अपने पहले साल में ये रोजाना लगभग 9 गिलास बेचा जाता था। इसके बावजूद आज कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आइए जानते हैं कोका कोला के रोचक सफर के बारे में। मई 1886 को दोपहर में अमेरिका के एक डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। ये अटलांटा के एक फार्मासिस्ट थे। वे इस पदार्थ को लोकल जैकब फार्मेसी ले गए। इसमें उन्होंने सोडा वाला पानी मिलाया। इसके बाद उन्होंने वहां खड़े लोगों को इसे चखाया और ये लोगों को बहुत पसंद आया था। जॉन पेम्बर्टन की बही खाता देखने वाले फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस मिश्रण को कोका कोला नाम दिया। तब से लेकर आज तक यह इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोरा अखरोट से कोका पत्ती निकालने और उसमें मिलाए गए कैफीन वाले सिरप के नुस्खे को कोका कोला नाम से जोड़ा था। फ्रैंक के अनुसार ब्रांड का नाम डबल सी होने से फायदा होगा। उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए भी इसे बेहतर समझा। बहरहाल कोका कोला को बेचने के लिए प्रति ग्लास 5 सेंट तय किया गया। 8 मई 1886 को जैकब फार्मेसी से ही पहली बार कोका कोला को बेचा गया था। पहले साल में जॉन पेम्बर्टन ने सिर्फ 5 गिलास के हिसाब से ही कोका कोला को बेचा था। वहीं आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से ज्यादा बोतलें रोज बिक जाती हैं। पहले साल 25 गैलन की खपत हुई थी। वहीं एक शताब्दी के बाद कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से सिरप का प्रोडक्शन किया था। पहले साल की बिक्री लगभग $50 के करीब हुई थी, मगर इसको बनाने में पेम्बर्टन ने $70 से अधिक खर्च किया था। इस तरह उनको शुरुआत में नुकसान हुआ था। 1887 में अटलांटा के एक बिजनेसमैन व फार्मासिस्ट आसा ग्रीस कैंडलर ने पेम्बर्टन से लगभग $2300 में इसके बनाने के फॉर्मूले खरीद लिए और वो इसके राइट हासिल कर चुके थे। अनफॉर्चुनेटली 1888 में कोका कोला के जन्मदाता पेम्बर्टन की मौत हो गई थी। कैंडलर कोका कोला का एकमात्र मालिक बन चुका था। उन्होंने मुसाफिरों को मुफ्त कोक पीने का कूपन भी पास किया। उनका मकसद लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोक पिया जाना था। जब इसकी आदत लोगों को लगी तो वो इस कोक से दूर नहीं रह पाए और खरीदकर इसका लुत्फ उठाए। उन्होंने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कैलेंडर, पोस्टर, नोटबुक के जरिए एडवर्टीजमेंट किए। कैंडलर अपने लोकल ब्रांड को राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहते थे, जिसमें वो काफी सफल भी हुए। 1890 तक कोका कोला अमेरिका की सबसे फेमस कोल्ड ड्रिंक बन चुका था, जो कैंडलर की बदौलत मुमकिन हो पाया था। दिलचस्प यह था कि कोका कोला के सेवन से सिर दर्द व थकान जैसी बीमारियों से निजात दिलाने की एक दवा के रूप में दावा किया गया था। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ, जिसके बाद इस दावे को सिरे से नकार दिया गया था। साल 1894 में जोसेफ नामक मिसिसिपी बिजनेसमैन ने कोका कोला को बोतल में डालने वाला पहला इंसान बन गया था। उन्होंने उनमें से 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी थी और कैंडलर को ये बोतलें बहुत पसंद आई थी। अब कोका कोला को ग्राहक आसानी से बोतल बंद कोक को कहीं भी ले जा सकते थे। 1903 के बाद से कंपनी को कोकीन ड्रग्स की मात्रा कम करते करते लगभग खत्म कर दिया। बाद में कोकीन की पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे जैसे कोका कोला फेमस होता गया, वैसे वैसे तमाम पूंजीपतियों ने इसके बिजनेस में काफी उत्सुकता दिखाई। इस लिहाज से नकली प्रोडक्ट का भी खतरा महसूस होने लगा। वे अपने ब्रांड को सुरक्षित करना चाहते थे। ऐसे में उसने एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों से आग्रह किया कि आप ओरिजिनल कोक का ही डिमांड करें। कंपनी अपने कस्टमर को आश्वस्त कराने के लिए कई प्रकार की बोतलें बनाने लगी, जिससे उन्हें असली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास नामक कंपनी ने एक बोतल तैयार करते हुए प्रतियोगिता जीती, जिसे अंधेरे में कोई भी पहचान सकता था। 1916 में कंपनी ने उस बोतल का प्रोडक्शन शुरू किया। कोका कोला कंपनी काफी तेजी से समय के साथ आसमान की बुलंदियों को छूते जा रही थी। अमेरिका के साथ ही कनाडा, पनामा, क्यूबा, फ्रांस जैसे देशों में भी कोका कोला की खपत बड़े पैमाने पर होने लगी। 1923 में रॉबर्ट वुडरॉफ ने कैंडलर से कंपनी को खरीद लिया। वे उसके अध्यक्ष बने। उन्होंने पूरे दुनिया में कोका कोला को मशहूर करने की ठानी। इसलिए 1928 में पहली बार ओलंपिक में कोल्ड ड्रिंक को खिलाड़ियों ने इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कोक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर्ड कर रही है। आगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल था। ऐसे में कोका कोला बहादुर सिपाहियों का समर्थन हासिल करना चाहते थे।
कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुड्रॉफ ने कहा कि हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतलें 5 सेंट में मिलती है, मगर जहां भी सिपाही है उन पर कोक कंपनी खर्च करेगी। वॉर के दौरान कई लोगों ने कोका कोला का आनंद उठाया, कोक को देशभक्ति से जोड़ा जाने लगा। रिपोर्टों की माने तो वॉर के दौरान सैनिकों द्वारा लगभग 5 अरब बोतलें पी गई थी। जब वॉर खत्म हुआ तो कंपनी ने विदेशों में भी इसकी ब्रांच की नींव रखी। इसके बाद इसके एडवर्टीजमेंट के टैग लाइन्स ने लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। हमेशा से ही कोका कोला के एडवर्टीजमेंट ने उसके बिजनेस में काफी अहम किरदार निभाया था। इस बार कोक ने इंटरनेशनल अपील की थी, जो 1971 में इटली से किया गया था, जहां दुनिया भर के यंगस्टर का एक समूह पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुआ था। तब उनके द्वारा दी गई आई लाइक टू द वर्ल्ड कोक पंच ने बहुत धमाल मचाया था। समय के साथ कंपनी पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रही थी। 1990 में जर्मनी में भी कोका कोला बेचने के नए ब्रांच खोले गए थे। 1993 में पहली बार कंपनी ने भारत की ओर अपना रुख किया था। अब कंपनी कई प्रोडक्ट बनाने लगी थी। 1997 में कोका कोला प्रोडक्टों को अरब में भी बेचा जाने लगा। आज कंपनी 400 से अधिक ब्रांडों के साथ पूरे दुनिया में अपने हजारों प्रोडक्ट्स बेचती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में यह बैन किया गया है, बाकी सभी देशों में कोक अपना बाजार बनाए हुए है। हालांकि कई देशों में इस कोल्ड ड्रिंक का काफी विरोध भी हुआ था। तो ये थी सबकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक का रोचक इतिहास, जिसके बिना हर पार्टी अधूरी सी लगती है। आपको कोका कोला की इस कहानी को जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।